पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि इमरान के समर्थक जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, यानी कि वे सब आतंकी काम कर रहे हैं। इसके जरिए वो नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शरीफ ने देश में चल रही अशांति के लिए भी खान की निंदा की है और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खान द्वारा किए गए कथित भ्रष्ट आचरण के मुद्दे को भी उठाया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास बेहद तेज आवाज सुनी गई। सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त नौनिहाल सिंह टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि आधी रात के ठीक बाद धमाके जैसी आवाज सुनाई दी है, लेकिन अंधेरे के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि आवाज ब्लास्ट के कारण ही आई है। आपको बता दें कि गोल्डन टेंपल के पास पिछले 5 दिनों में यह तीसरा धमाका है। इस मामले में अमृतसर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लाहौर स्थित आवास पर हमला कर दिया है। पुलिस के अनुसार पीटीआई पार्टी के 500 से अधिक उपद्रवियों ने आज सुबह प्रधानमंत्री के मॉडल टाउन लाहौर स्थित आवास पर पहुंचे और वहां खड़े वाहनों में आग लगा दी। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के घर में पेट्रोल बम भी फेंके। गौरतलब है कि हमला जिस वक्त हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर केवल चौकीदार ही मौजूद था। उन्होंने वहां एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया। विज्ञान ने आज एक नया करिश्मा कर दिखाया है। मेडिकल के क्षेत्र में आज एक नया कारनामा सामने आया है। दुनिया का सुपर किड पैदा हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास बच्चे को किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी और ना ही कोई नुकसानदेह जेनेटिक म्यूटेशन, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे 3 लोगों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। यह बच्चा इंग्लैंड में पैदा किया गया है। माता पिता के डीएनए के अलावा इस बच्चे के तीसरे इंसान का डीएनए भी मिलाया गया है। आपको बता दें कि डीएनए की खासियत को बरकरार रखने के लिए आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी भागीदारी अब तक की सर्वाधिक भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में अफ्रीका पर हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज तथा चिंताओं के बीच भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह अध्यक्षता अनूठी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित 5,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित भी की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री हाल के दिनों में भारत में की गई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाले एक्सपो का भी उद्घाटन किया है। न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित देश टोंगा के पास भूकंप के तगड़े झटके को महसूस किया गया है। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी भूकंप निगरानी एजेंसी USGS ने बताया कि टोंगा में हिहिफो से 95 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में गुरुवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 के माध्यम से लगभग 1600 रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार SSC CHSL 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 मई से शुरू की गई है। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 8 जून 2023 रखी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे RCP सिंह आज BJP में शामिल होने जा रहे हैं।
जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद लगातार आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन चर्चा थी कि वह बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिस पर आज उन्होंने खुद मोहर लगा दी है। गौरतलब है कि मिशन 2024 से पहले नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है।